Hey guys, good morning. I am Indian YouTuber Jyotsna Jaiswal और मेरे ब्लॉग्स तो आप देख ही रहे हो। और मैं अभी आज जा रही हूँ स्कूटी खरीदने, क्योंकि मेरी स्कूटी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। कल मैं सारी इंक्वायरी करके आई, रात को गई थी, उसका क्लिपिंग मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी। और कल पूरा दिन मेरा पार्लर पे कोई ठिकाना नहीं रहा, मैं दोपहर को ही लड़कियों को रख के निकल गई थी और शाम को 6 बजे पार्लर पे पहुंची और फिर वापस से निकल गई, क्योंकि मुझे कल कैसे भी करके गाड़ी का फाइनल करना था। क्योंकि जय आए हैं तो गाड़ी खरीद ही लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत डिले कर रही थी। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था, डेस्टिनी गाड़ी खरीद रही हूँ, लेकिन मैंने कल उसका फिर से टेस्ट ड्राइव लिया तो मुझे उसका ना नीचे का वो जो अपन स्टैंड पे लगाते हैं ना, वो मेरे पाँव में गाड़ी चलाते वक्त लगता है, वो थोड़ा सा बाहर की साइड है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे पाँव में लगता है और मेरा पैर का तो पहले से ही सब चल रहा है वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम, तो मैं बोली थोड़ा सा संभल जाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। तो फिर मैंने जुपिटर पास किया है और आज मैं फाइनल उसका डील करने जा रही हूँ। तो चलिए गाइज, निकलते हैं गाड़ी लेने और जैसे जैसे जो जो अपडेट होगा मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए निकलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरे मेकअप के वीडियोस आपको कैसे लगे आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और मेरे साथ बने रहिए, मैं जो जो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल क्या हुआ पता है गाइस, मैं वहाँ पे गाड़ी लेने बैठी थी ना, हमारे सामने दो जन गाड़ी लेके चले गए और मैं तो बस सोचे ही जा रही हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ, इतना क्यों सोचती हूँ पता नहीं। और उन लोग का कॉन्फिडेंस देख के फिर मैंने रात को सोचा कि उन लोग कितने कॉन्फिडेंस से फटाक से कुछ भी ले लेते हैं, सोचते नहीं है ज़्यादा, धड़ाधड़ सब चेंज करते रहते हैं। और मैं क्यों इतना सोचती हूँ, ये लूँ या वो लूँ, ये लूँ या वो लूँ। तो ठीक है, फिर रात को मैंने सोचा कि मेरे लिए तो जुपिटर ही अच्छी है, तो मैं जुपिटर लेने जा रही हूँ। ऐसा नहीं, मुझे डेस्टिनी बहुत पसंद आई थी, मतलब उसका वाइट कलर और वो सब बहुत पसंद आया था, पर पता नहीं अभी तक वो नया मॉडल आया है, रोड पे चल नहीं रही है, तो कभी गाड़ी बिगड़ी तो उसके पार्ट्स भी मिलने चाहिए, ये सब मुझे थोड़ा सा टेंशन। और मुझे जो मॉडल चाहिए था ना वो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जिसमें मोबाइल चार्जर वगैरह सब कुछ है, नहीं तो मैं ज़रूर डेस्टिनी लेती। तो चलिए कोई बात नहीं, एक गाड़ी लेनी है तो कोई भी चलेगी और जुपिटर मुझे अच्छी लग रही है तो मैं वही लेने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस मेरे साथ जुपिटर लेने हैं। गाइस मैं आई हूँ शोरूम में और अब सोच रही हूँ कहाँ से लेऊँ गाड़ी और कहाँ से नहीं। और ये गाड़ी मैंने सिलेक्ट की है जुपिटर, रोड पे खड़ी हूँ तो आवाज़ नहीं आता होगा आपको। तो गाइस थोड़ा देखती हूँ, मैं थोड़ा सोचती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ। गाइस हम लोग गाड़ी बुक करके आ गए हैं और मैंने जुपिटर ली है, अभी खाना खाया है और 11, 12 से 2 बजे का मुहूर्त अच्छा नहीं था तो मैंने उनको बोला गाड़ी मैं 2 बजे के बाद ही लेती हूँ। तो अभी 2 बजे का, अभी 1 बजा है, 2 बजे गाड़ी लेने को जाएंगे हम लोग। अब वो सब एसेसरीज वगैरह लगा के फिटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, पेमेंट हम लोग 2 बजे ही देंगे उनको। तो गाइस जुपिटर और थोड़ा सा वो रेडिश पर्पल कलर है ना, वो लिया है मैंने। तो गाड़ी आने पे आपको बताती हूँ गाड़ी कैसी है। तो गाइस देखिए मेरी नई वाली गाड़ी, बताइए कैसी है। मुझे अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और आपको चाबी दिखा देती हूँ, जो मैंने चाबी ली थी इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है और ये है हॉर्स। और देखिए कैसा लग रहा है गाइस, ये तो इस तरह से मेरी गाड़ी मस्त चलेगी और आई एम वेरी हैप्पी। बहुत टेंशन कर रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही थी इतने दिन से, पर अब गाड़ी प्रॉपर रहेगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगा।
फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी गाड़ी आपको कैसी लगी। लाए थे? हाँ दिसंबर से आए, जनवरी से, दिसंबर से सशल ना। एकोणीसचं तर नसणार, 18 लिहिलाय त्याच्यावर तर। तो गाइस लेके आ गई हूँ मैं गाड़ी पार्लर पे। देखिए ये मेरा पार्लर और मैं गाड़ी लेके आ गई हूँ। गाड़ी लेके सीधी मैं पेट्रोल पंप गई थी और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया और गाड़ी की अभी तक मैंने पूजा भी नहीं की है। घर से मैं हल्दी कुंकू लेके निकली थी क्योंकि मैं गाड़ी लेके सीधी पार्लर पे आई ना, तो अब मैं उसको हल्दी कुंकू लगा देती हूँ। अतिथि बोल रही थी मम्मा घर पे लेके आओ, पर मुझे गाड़ी वो जूनी वाली गाड़ी भी देनी थी ना उनको, इसलिए मैं गाड़ी यहाँ पार्लर पे लेके आई और अब रात को जाऊँगी घर पे तो मैं हल्दी कुंकू लगा देती हूँ गाड़ी को। इस तरह से हल्दी कुंकू मिक्स हो गया है, मैं एक में ही बांध के लेके आई थी। चलिए गाइस तो गाड़ी की पूजा कर लेते हैं। हवा इतनी है पेपर ना उड़ जाए। तो गाइस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये गाड़ी को लेके मैं खूब घूमूं और खूब पार्लर पे आऊं और पार्लर से खूब सारा पैसा कमा के लेके जाऊं। तो गाइस कल मैंने ये विंडो पे ग्रिल लगा लिया है और देखिए अब मैं इजीली ये विंडो ओपन रख सकती हूँ, नहीं तो विंडो ऐसे ही ओपन रखने की मतलब सब मच्छर और वो सब अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने ग्रिल कल लगवा लिया है। तो थोड़ा सा ओपन रखते हैं तो एयर पूरा बाहर चला जाता है। तो कल पूरा दिन मैंने गाड़ी लिया और ये सब काम करवाया है और अभी हुई है सुबह और सुबह का खाना बन चुका है, छोले बना लिए हैं मैंने और पूरी तली जा रही है। तो गाइस सुबह का खाना बना रही हूँ, हो चुका है, पापड़ तल के रख दिया है और छोले और पूरी। तो फ्रेंड्स ये है लड्डू जो शादी से आया है, शादी में गए थे वहाँ से आया है और उनका बॉक्स का पैकिंग अच्छा है तो मैंने सोचा मैं आपको आपके साथ भी शेयर कर दूँ। देखिए तो गाइस आप लोग के यहाँ भी कभी शादी वगैरह हो और आपको किसी को बांटना है तो आप इस तरह से करवा सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर से कैसा लगा आपको ये स्टाइल। तो गाइस देखा सुबह का खाना बन चुका है और मैं अब पार्लर के लिए निकल रही हूँ
और बस यही था। और मेरी गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सारा टेंशन ख़त्म हो गया है, गाड़ी ले ली तो गाड़ी की वजह से बहुत टेंशन आ रहा था। तो चलिए पार्लर पे निकलती हूँ और आज से वापस से मेकअप वगैरह वीडियोस वगैरह स्टार्ट करती हूँ बनाना आप लोग के लिए। अभी मेरा मारवाड़ी लुक क्रिएट करने का बाकी है, मुस्लिम लुक क्रिएट करने का बाकी है, पंजाबी लुक क्रिएट करने का बाकी है। तो मैं आपको वो सब करके बताऊंगी, मेरे स्टूडेंट भी आपको बताएंगे। ओके गाइस, तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर से कीजिए। बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।